नमस्कार, उषा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम ग्वार की फली की सब्जी बनाने जा रहे हैं। सब्जी बनाने के लिए ये हमने ग्वार की फली धुल के तोड़ के साफ करके तोड़ लिया है। ये 300 ग्राम हमारी फली है। और ये टमाटर की प्यूरी, कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट कुटा हुआ, और ये थोड़े से हमने मूंगफली के दाने और वो मिर्च डाल के पीस लिया है, लाल मिर्च डाल के, ये हरी धनिया और थोड़े से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये नमक स्वाद के अनुसार। इसके लिए पहले हम ग्वार की फलियों को हमने तोड़ लिया है, लेकिन इसको हम तोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जो है एक ये रेशा होता है मोटा, ये जो है हम ऐसे करके निकाल देंगे, नहीं तो ये खाने में फिर फंसती हैं। इनको ऐसे करके हम तोड़ेंगे, फिर ये रेशा आएगा। एक तरफ का इसमें ये पतला रेशा होता है, तो हम जब एक तरफ से तोड़ के फिर दूसरी तरफ से ऐसे तोड़ेंगे तो ये हमारा रेशा निकलेगा। ये निकालना इन फलियों में बहुत ज़रूरी है। ऐसे इनको हम इसी प्रकार से, इनको तोड़ने में देर लगती है इसीलिए हमने पहले से तोड़ काट के साफ करके रख लिया है। ऐसे इसमें रेशा निकलता है। तो इनको हमने तोड़ काट के साफ करके रख लिया है। अब हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए पहले हम गैस जलाएंगे। ये सब्जी हम कुकर में बनाएंगे। ये सब्जी कढ़ाई में भी बनती है, लेकिन हम कुकर में बनाएंगे। कुकर में बनाने से ये जल्दी हो जाएगा, कढ़ाई में इसमें टाइम लगता है, क्योंकि इसका जो ये ऊपर का भाग है ये बहुत कड़ा होता है, तो ये पकने में टाइम लगता है। इसको हम बॉईल नहीं करेंगे, बॉईल इसका फ्लेवर थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट सब्जी कुकर में बनाएंगे। ये सब्जी हम सरसों के तेल में बनाएंगे। सरसों के तेल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कम से कम हम 4-5 चम्मच तेल ले रहे हैं, बड़े चम्मच, टेबल स्पून। तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। हमारा अच्छे से गर्म हो गया, पहले हम जीरा डालेंगे। जीरा को हम चटकने देंगे। इसमें हम और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद में हम ये प्याज डालेंगे। साथ में ही हम ये लहसुन भी डाल देंगे। एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप कटा बढ़ा सकते हैं इस स्वाद के अनुसार। प्याज को हम गोल्डन होने तक भूंज लेंगे। इसको हम फुल फ्लेम पे पका लेंगे, ऐसे चलाते हुए तो जल्दी हो जाएगा।
प्याज हमारा गोल्डन हो गया है, तरकी प्यूरी डाल देंगे। साथ में ही एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। टमाटर को हम तेल छोड़ने तक पकाएंगे। इसको हम फुल फ्लेम पर ही पकाएंगे। फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो ये 2-3 मिनट में हमारी प्यूरी बनके जल्दी तैयार हो जाएगी। हमें टाइम नहीं लगेगा सब्जी बनाने में, इसलिए हम इसको चलाते हुए 1-2 मिनट तक पका लेंगे, जब तक टमाटरों से तेल छूटने लगेगा। इसको हम ढक देंगे के इसको फिर चलाएंगे मसाले को। अब इसमें ये जो हमारा मूंगफली और लाल मिर्च का पाउडर रखा है, इसको भी हम डाल देंगे। इसमें हम भुने चने का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे जो है सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाता है और ग्रेवी बिल्कुल उसमें सब्जी में चिपक सी जाती है, क्योंकि ये जो गौर की फली है ये वैसे ये खाने में टेस्टी नहीं लगती। जब इस प्रकार हम सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। अब इसको हम 1 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे, ऐसे ढक के। तो ये हमने 1-1 मिनट में इसको खोल के मसाले को अच्छे से चला के पकाया है। अब इसमें हम और मसाले डालेंगे। इसमें हम 2-3 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और हम वो सब्जी वाला नमक जो डेली यूज करते हो डाल चुके, थोड़ा सा ये हम काला नमक डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। और थोड़ी सी ये कसूरी लाल मिर्च डाल देंगे, सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी, जिससे इसका कलर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और मसालों को हम अच्छे से 1 मिनट और भून लेंगे। 1 मिनट सारे मसालों को हम फिर से भून लेंगे। गया है, मसालों को हम फिर खोल के चेक कर लेंगे। मसालों से तेल अलग होने लगा है। अब इसमें हम ये गौर की फली डाल देंगे। और अच्छे से मसाले से कोट कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमने 1/2 गिलास डाला है, जिससे सब्जी हमारी अच्छे से पक जाए। अब इसको हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, मसालों को इसी में छुटा देंगे और
कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और दो तीन सीटी आने तक पकाएंगे। बस दो तीन सीटी आने तक इसको हम पकने देंगे। हमने अपने आप ठंडा हो जाने दिया है, अब इसको हम खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी मसालेदार सब्जी बहुत अच्छी बनी है। थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। गैस का फ्लेम एक मिनट के लिए तेज कर देंगे और इसको थोड़ा सा और सुखा देंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये हमारी ग्वार की फली की सब्जी बहुत अच्छी टेस्टी बन के तैयार है। ये सब्जी हम पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है ये, बिल्कुल मसालों से लपटी हुई बहुत अच्छी लगती है। और इसको हम हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। अगर ये सब्जी बनाने का तरीका हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।